मेरे प्रिय मित्रों, 13 अप्रैल 1919 आखिर ये कौन सी तारीख है? जी हाँ, ये वो तारीख है जिस दिन जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हमारे भारतीय वासियों को गोली से भून दिया था और अब उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वो दिन था जब हमारे भारतवासियों ने ब्रिटिश राज्य के विरोध में एक शांति मार्च का आयोजन किया था अमृतसर में, और वहाँ पर शांति मार्च जब कर रहे थे हजारों की तादाद में, जनरल डायर जो उस समय के वो इंचार्ज थे, उन्होंने अपने सोल्जर्स को, सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि भून डालो, और गोलियों की जो तड़तड़ाहट से ऐसा बताया जाता है कि 300 से भी ज़्यादा लोग अपने जान को गंवा दिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जो सामने आया वो गोलियों का शिकार हो गया और कई लोगों ने अपने जान की आहुति दे दी। मेरे प्रिय मित्रों, एक बहुत बड़ा हादसा था और ये बड़ी दुखद घटना है कि मनुष्य किस प्रकार से मनुष्य का विरोधी हो जाता है। हमारे जवानों ने, हमारे भारतवासियों ने अपने जो स्वतंत्रता है उसके खातिर अपनी जान गंवा दी। हमें ऐसे लोगों पर गर्व होना चाहिए, ऐसे भारतवासियों पर गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार थे और हैं स्वतंत्रता पाने के लिए। और ये तो सिर्फ एक कड़ी है, और भी कई ऐसे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तब जाकर 1947 में हम ब्रिटिश राज से मुक्ति पाई हमें, और आज हम आज़ाद हैं। इसलिए क्योंकि इन लोगों ने, इन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों हो, उन्होंने गोली अपने सामने खा लिया। और मेरे दोस्तों, हम उनको नमन करते हैं, उन भारतीय वासियों को जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, और हम अपने सैनिकों को जो अपनी जान की बाजी खेल करके हमारी सरहदों पर, हमारे बॉर्डर पर, वहाँ पर हमारी रक्षा करते हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करें, इनके लिए धन्यवाद दें, और होने दें कि ऐसा हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार की बात हम समझें कि हम भी जब भी मौका मिले अपने भारत के लिए जान देने की तक के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम अपने भारत से, अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और परमेश्वर भी इससे प्यार करता है। ये तो हुई जालियांवाला बाग की कहानी जो अमृतसर में हुई 13 अप्रैल 1919, और आज 13 अप्रैल 2019 आज हमारे पास है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मित्रों, मैं एक और बात बताना मांगता हूँ, और वो है कि परमेश्वर के राज्य में भी सत्य को न जानने वाले भी बहुत विरोधी हैं, जो इसका विरोध करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि जो उसको फॉलो करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उनके लिए दुख आगे हो सकता है, और है भी, हो सकता है नहीं, सिर्फ है भी, सताव, दुख, और यहाँ तक मौत भी हो सकती है। जिस प्रकार हमारे भारतवासियों ने जालियांवाला बाग में अपनी जान की आहुति दी अपने देश की रक्षा के लिए, मेरे दोस्तों, आइए हम भी एक अपने जीवन में एक निश्चय कर लें कि हाँ, हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम रक्षा करेंगे, साथ ही साथ हम सच्चे परमेश्वर के साथ भी चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 11 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 17 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो अंत के दिनों में लोग उन्हें पकड़वाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, उन्हें सताया जाएगा, दुख पहुँचाया जाएगा, जेल में डाले जाएंगे और मृत्यु भी होगी। और ऐसा हम देखते हैं प्रभु के वचन के अनुसार।
मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 11 पद से। सुनिए, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये उस समय की बात है मेरे दोस्तों, अंतिम समय में जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले होंगे। 12वां पद, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे, सताएंगे और आराधनालय में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं राजपालों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता भाई कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण तुम सब लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर रखेंगे। ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बात कही कि जो सत्य पर चलेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, सच्चे परमेश्वर को जो जानते हैं, उनके लिए दुख और सताव और मृत्यु आ सकती है और आती भी है। हम देखते हैं कि कई जगह पर हमारे कुछ भाई बहनों पर इस प्रकार का बहुत ज़बरदस्त सताव आया, और ये परमेश्वर का वचन है कि हमें इन लोगों से बैर नहीं रखना है। वो हमारे शत्रु नहीं है, वो हम जो हमें सताते हैं, जो हमें दुख पहुंचाते हैं और जो अनुचित बातें हमारे साथ करते हैं, वो हमारे शत्रु नहीं। हमें उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना है। हाँ जी हाँ, ये हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें ऐसा होगा हमारे साथ, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है आज हमारे सामने, है ना। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग में लोगों ने अपनी जान की आहुति दे करके, अपनी जान की परवाह भी नहीं की, अपने देश के लिए वे शहीद हो गए, हमें भी सत्य के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है बोलने के लिए, और हम जो सत्य के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलती हैं, हमें भी अंत तक विश्वास योग्य रहना है, चाहे हमारे सामने मौत भी क्यों ना हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, मत्ती और उसका 5वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा 10 से 12। देखें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, 10 से 12। धन्य है वे, सुनिए मेरे दोस्तों, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जी हाँ, जो सत्य के पीछे चलते हैं, जो सत्य का आह्वान करते हैं, जो सच्चे परमेश्वर को अपना जीवन दिया है और उसकी आराधना करते हैं, उनके बैरी वो मसीहियों को सताएंगे, मार डालेंगे, झूठी झूठी गवाहियां देंगे, और ऐसा हो रहा है, हो रहा है। और इसलिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि ये आजकल की बात नहीं, ये शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है। जब से परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की, सृष्टि की, तब से जो सत्य के लिए खड़े रहते हैं, जो सत्य के विरोधी हैं, झूठे हैं, वे उनको परेशान करते हैं, और ये चला आ रहा है। हम पढ़ते हैं यही बात इब्रानियों की किताब, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों की किताब और उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 36 से 40। आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन बिल्कुल सटीक है और सुनने लायक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 11 अध्याय इब्रानियों 36 पद, दूसरे लोग तो उपहास में उड़ाए जाने और कोड़े खाने
वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते रहे। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। मेरे दोस्तों, पुराने नियम में जो परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के जो लोग थे, उनके बैरियों ने उनके साथ क्रूर व्यवहार किया और वो चला रहा है। रोमियो समाज ने भी वैसा ही किया, विश्वासियों को घात किया, तलवार से मार डाला और वो चला रहा आज तक। पूरी दुनिया में हम देखते हैं हमारे जो मसीह भाई बहन हैं उनके विरोध में एक प्रकार का छिड़ गया है युद्ध कि हम सत्य को नाश करेंगे। हम सत्य की गवाही देते हैं, आप और मुझको सत्य की गवाही देना है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है। यीशु ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सो मित्रों, हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हमें अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। और यही बात लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से कि हम प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहें, जैसे कि हमारे जो वीर जवान हैं हमारे बॉर्डर में हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कुछ भी हो वो अब हमारे देश की रक्षा करते हैं। आज आपको और मुझको जो प्रभु में विश्वासी हैं, हमें अपने चर्च की कलीसिया की रक्षा करना है, चाहे लोग हमें सताए या कुछ भी क्यों ना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मैं आपके लिए कुछ और पदों को पढ़ूंगा ताकि आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 13 पद से यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में कुछ भी पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए तैयार रहो, सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। जब लोग हमारे विरोध में गलत गलत बात बोलते हैं, विशेष करके मसीहियों के विरोध में, विश्वासियों के विरोध में जो प्रभु को प्यार करते हैं, तो हमें घबराना नहीं है, हमें उनका उत्तर देना है, प्यार से उत्तर देना है, नम्रता से उत्तर देना, घमंड के साथ नहीं देना, उत्तेजित होकर के नहीं देना। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह नम्र था अंतिम क्षण तक, मौत तक, तब उसी प्रकार आपको और मुझको भी नम्रता से उनको उत्तर देना है, प्यार से उनको उत्तर देना है ना। हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना मेरे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है हमें अपने बैरियों के लिए, अपने जो दो हमारे विरोधी हैं उनको हमें प्यार दिखाना है। अगर लोग हम पर पत्थर फेंकते हैं तो हमें फूल फेंकना है। आप समझ गया ना, ये फ्रेज बहुत अच्छा फ्रेज है, अच्छी बात है ये हम मसीहियों के लिए। हमें क्या करना है अपने सताने वालों के लिए, क्या करना है उनके लिए जो हमें हमारे विरोध झूठी झूठी बातें बोलते हैं या उल्टी सीधी बात, या प्रिजन में ले जाते हैं, जेल में डलवा देते हैं, मरवा भी डालते हैं कभी कभी, ऐसा भी हम देखते हैं इतिहास में ऐसा हुआ विश्वासियों के साथ। आपका मेरा कर्तव्य सुनिए क्या है, कर्तव्य यह है कि हम उनको प्यार करें, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के साथ आए। हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार 5:44। मत्ती उसका 5:44। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ इस प्रकार से, बहुत अच्छी तरह से लिखा है, तुम 43 पद से, तुम सुन चुके हो
कि कहा गया कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितनी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं फूल से देना है, ये बताने के लिए कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमारा जो प्रत्युत्तर होना है वो प्रेम का होना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, मैं इस बात को सीख रहा हूँ और यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। यही बात हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 12वां अध्याय और 14 पद। यहाँ भी आप देखिए रोमियो उसका 12वां अध्याय और 14 पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए। परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक है और बहुत अच्छा है। अपने सताने वालों को आशीष दो। सुनिए साहब, जो आपको दुख पहुंचाते हैं, जो मुझे दुख पहुंचाते हैं, सताते हैं परमेश्वर के अनुयायी होने के द्वारा या विश्वासी होने के लिए, जो हमारे को सताते हैं, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। कितनी अच्छी बात है, यही तो हमारा जीवन है दोस्तों, यही तो हमारा प्रत्युत्तर है। प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया है, हाँ, बुराई के बदले भलाई करना है। जी हाँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये परमेश्वर का वचन साफ रीति से आपको और मुझको कहता है। जितना भी हो सके हम अपने सताने वालों के साथ प्रेम रखें, उनके लिए प्रार्थना करें और भलाई करें। प्रभु यीशु मसीह की बात याद है आपको, जब क्रूस पर वो चढ़े हुए थे, उन्होंने कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया। स्टीफन जो था प्रभु यीशु मसीह का चेला, मरते समय उसने प्रार्थना किया, प्रभु जो भी इन्होंने मेरे साथ किया, मुझे मार रहे हैं, इनको उनके लिए दोषी मत ठहराना। ये है मसीही जीवन, ये है परमेश्वर का वचन। जिस प्रकार से हमारे देश के जवान जब अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे देश की रक्षा करते हैं, और वो जलियांवाला बाग में 300 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान की आहुति गवा दी, अपने अंतिम क्षण तक उन्होंने गोलियों का सामना किया, विश्वास योग्य रहे हमारे देश के प्रति। आज आपको और मुझको उनसे ये सीख लेना है कि हम भी अपने देश के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, विश्वासियों के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। चाहे कितना भी सताव आए, दुख आए, मुसीबत आए या मौत आए। इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो कितने लोगों को जलाया गया, काटा गया, मारा गया अंतिम क्षण तक, ऐसे भी इतिहास पटा है इन बातों से, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। आज हमारे लिए और आपके लिए एक चुनौती है। अब प्रश्न ये उठता है, भाई ठीक है, हम ये सब करने के लिए तैयार है, इससे मुझे मिलेगा क्या? अरे साहब, सबसे बड़ी बात आपको मालूम क्या मिला? अनंत जीवन, अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको क्या मिला, मुझे क्या मिला? अनंत जीवन। भाई इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आए अपने जान की आहुति देने के लिए, बलिदान के लिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जीवित परमेश्वर है वो। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। सो दो बातें जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, वो हमें परमेश्वर के रूप ओर से मिलेगा। पहली बात हम पढ़ते हैं कि इससे परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की बढ़ोतरी होती है, उसको महिमा आदर मिलता है जब हम विश्वास योग्य रहते हैं अंत तक और सताव सहते भी रहे, इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 थिस्सलुनीकियों 1:4। 2 थिस्सलुनीकियों 1:1 और 14 क्या लिखा हुआ है? पौलुस लिखता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में
तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। क्यों घमंड करते हैं? कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। परमेश्वर की महिमा होती है और एक गवाही होती है। हम एक नमूना बन जाते हैं दूसरों के लिए, एक मॉडल बन जाते हैं। हम सिर्फ प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन जब मौका आता है, ऐसा अगर समय आ भी जाता है, तो हमें धीरज से अपने विश्वास में क्या रहना है? अटल रहना, विश्वास में अटल रहना। जैसे कि हमने पढ़ा, मैंने आपके लिए पढ़ा, इब्रानियों 11वां अध्याय पूरा विश्वास के बारे में है, वो है ना। विश्वास से लोगों ने अपनी जान दे दी है, अपनी प्राण की आहुति दे दी, भटकते रहे, आरे से चीरे गए, विश्वास में अडग रहे, अटल रहे। जी हाँ, तो हमें भी और आपको एक नमूना बनना है दूसरों के लिए। और पौलुस यही बात लिखता है कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। आप कुछ दुख से गुजर रहे हैं? आनंद करिए। कोई आपको सता रहा है प्रभु के विश्वासी होने के लिए? आनंद करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये होगा। हमें किसी की ओर दौड़ने की जरूरत नहीं, हमें बस अपने सीधा हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, और जितना हो सके हम भलाई और अच्छा करें अपने बैरियों के साथ, जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। भाई परमेश्वर का वचन तो यही कहता है ना। तो ये तो पहला ये है कि ये हमें जो रिजल्ट है, जो हमें मिलेगा, इसका परिणाम जो है, हम एक नमूना बन जाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरों के लिए एक आदर्श का कारण बनते हैं। और दूसरा जो रिजल्ट है वो है, हमें मालूम परमेश्वर वो हमें देगा जीवन का मुकुट। आपके और मेरे लिए जो प्रभु के लिए सताए जाते हैं, स्वर्ग में जीवन का मुकुट मिलेगा। अब वो साहब कैसा होगा मैं तो सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल इस दुनिया से बिल्कुल अलग जीवन का मुकुट होगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 2:10। प्रकाशित वाक्य उसका 2:10 देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। यह है परमेश्वर का वचन, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2:10। और भी परमेश्वर के वचन में कई जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इन सब बातों को देखने के लिए। लेकिन जितना भी हो सके हम परमेश्वर के वचन में उसके आधार पर दुख उठाएं और भलाई करें दूसरों के लिए। आपके और मेरे इनकरेजमेंट के लिए मैं यहीं पर ख़त्म करूंगा एक पद के साथ, जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, याकूब की पत्री 1:12। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आइए, जैसे जलियांवाला बाग में हमारे भारतवासियों ने अपने प्राण की आहुति दे दी, विश्वास योग्य रहे अंत तक, हमारे देश की रक्षा की, उनके द्वारा हम सीख सकते हैं कि हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहें, अंत तक हम बने रहें और परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने सताने वालों के लिए,
दुख पहुंचाने वालों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करें। क्या हम ये चुनौती ले सकते हैं? आइए आज हम ऐसा ही करें। धन्यवाद।